चटोरी बेटी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चटोरी बेटी। आज हम बनाना सीखेंगे मोमोज मेरी स्टाइल में। तो कैबेज को अच्छे से धो लीजिएगा, पत्ता गोभी को, और उसको घस लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आटा ले लीजिएगा, तेल ले लीजिएगा और उसमें पानी अच्छे से उसको 1 से 2 घंटा तक उसको छोड़ दीजिएगा। थोड़ा तेल डाल दीजिए और उसमें नमक डाल दीजिएगा आपके हिसाब से कि आप कितना मोमोज बनाना चाहते हैं। और उसको अच्छा वाला डो बना के 1 से 2 घंटे आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं, अच्छा होगा, बट आपकी मर्ज़ी। आपको रखना है जितना उतना देर आप रख सकते हो। मैंने फिर कांदा और धनिया पत्ता और मिर्चा को काट के और उसमें बहुत सारे लहसुन को काट के रखेगा। ये देखिए मैंने रखा हुआ। फिर सोया सॉस, चिल्ली सॉस और विनेगर, ये 3 चाहिए चीज़ें। और अच्छे एक कढ़ाई लेंगे, उसको अच्छे से हीट कर लेंगे। उसमें आप सरसों का तेल डालिएगा क्योंकि सरसों का तेल में ज़्यादा फ्लेवर आता है, तो मैंने सरसों का तेल ही डाला है। लहसुन को अच्छे से चॉप करके डाल देना है। जितना ज़्यादा लहसुन रहेगा उतना अच्छा फ्लेवर आता है, तो लहसुन का इसमें मेन रोल है। लहसुन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लहसुन डालिएगा तो ज़्यादा फ्लेवर होगा, इन्हांस होगा। तो फ्लेवर के लिए लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा थोड़ा चॉप करके डालिएगा क्योंकि उसमें फिर वो मुँह में नहीं आएगा तो अच्छा लगेगा। फिर मैं यहाँ पर ले ली हूँ प्याज, हरी मिर्ची 5 से 6। और पहले प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से सॉटे करेंगे, जब तक वो पिंक ना हो तब तक उसे अच्छे से सॉटे करेंगे। उसके बाद आपको जितना स्पाइसी चाहिए उतना डालिएगा। मैंने यहाँ से 3 से 4 मिर्ची डाला है तो अच्छा से वो अच्छा स्पाइसी फ्लेवर आएगा। तो आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो 3 से 4 मिर्ची डालिएगा। हाथ में मेरा फ़ोन है इसलिए थोड़ा शेक हो रहा है। तो अगर मेरे आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। आपको पसंद आया तो ही, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पत्ता गोभी को अच्छे से पानी निकाल निकाल के आपको डाल देना है। देखिए पत्ता गोभी में कितना पानी निकला है। और उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है अभी, नमक उमक कुछ भी नहीं डाला है। नमक उमक मैं डालूँगी, थोड़ा सा ये सॉफ़्ट हो जाएगा उसके बाद मैं नमक डालूँगी। कैबेज बहुत सॉफ्ट हो गया। अब इसमें आप नमक डाल दीजिएगा, आपको जितना ज़रूरत है आप उतना नमक डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक और ये पानी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कैबेज में क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो आप बनाओगे तो वो मोमोज फट जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि पानी निकाल दिया जाता है। तो अच्छे से आप पानी निकाल दीजिए और इसमें अब डाल दीजिए अब हल्दी। हाँ, आप हल्दी डालिएगा क्योंकि हल्दी का जो स्वाद है ना वो कोई भी बीट नहीं कर सकता। तो हल्दी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। पॉइंट पे विनेगर डाल दीजिएगा आधा ढक्कन विनेगर डाल दीजिए। ये चिल्ली सॉस है, इसको आप डाल दीजिएगा जितना आपको स्पाइसी चाहिए। फिर मैं उतना ही बोलूँगी, जितना आपको स्पाइसी चाहिए आप उतना डालिएगा क्योंकि मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। फिर 1 ढक्कन सोया सॉस डाल दीजिएगा, 1 ढक्कन, और इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई का खेल है। और सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, वॉशिंग मशीन चल रहा है मेरे घर में, तो अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं तो मेरी मम्मी कूट देगी। फिर इसमें धनिया पत्ता डाल दीजिएगा आप। धनिया पत्ता डालने के बाद उसको अच्छे से फ्राई कीजिए। अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट फ्राई कर लीजिए और ये बन के रेडी है आपका सब्ज़ी। इतना फ्लफी हो गया मेरा डो। मोमोज के शेप में बेलते हैं, पतला बेलना है, एकदम पतला रहना चाहिए इसका ये, नहीं तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसको शेप में कन्वर्ट करते हैं।
इडली का ढांचा में अच्छे से तेल लगाइए और उसमें अपने मोमोज डाल के 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उसको स्टीम कीजिए। और ये स्टीम करने के बाद अब फिर आप इंजॉय कीजिए अपना मोमोज। और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हरी और ग्रीन चटनी के लिए मुझे आप मेरी शॉर्ट में जाके देख लीजिए, उसमें मैंने अपलोड कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पकाइए और खाइए।